हेलो यूट्यूबर्स, स्वागत है आपका AIoT क्लाउड में। ये है रेसबेरी पाई और आज मैं इसके बारे में आपको पूरी की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ ये जानने के लिए कि कैसे हम इसे, जो एक आलू है, इसे हम सोना बना सकते हैं। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये रेसबेरी पाई क्या होता है, इस रेसबेरी पाई के अलावा और हमें कौन कौन से एडिशनल हार्डवेयर लगेंगे, इसे हम कैसे एक सस्ते कंप्यूटर की तरह यूज कर सकते हैं और एंड में हम देखेंगे इसकी फुल इंस्टॉलेशन एंड सेटअप के बारे में। मेरा नाम है रोहन और AIoT क्लाउड में हम ट्रेंडिंग टेक लेके आते हैं बड़े ही आसान भाषा में। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि ये रेसबेरी पाई क्या होता है। रेसबेरी पाई एक क्रेडिट कार्ड के साइज का सिंगल बोर्ड कंप्यूटर होता है। ये बहुत चीप होता है और ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है। इस रेसबेरी पाई को पहली बार 2012 में बनाया गया था। उसके बाद इसके बहुत सारे वर्जन आए और उसमें बहुत सारे अपग्रेड्स भी हुए। जो फर्स्ट पाई बनाया गया था उसमें बस 256 MB की रैम हुआ करती थी और उसमें सिर्फ 700 MHz का सिंगल कोर प्रोसेसर था। अभी जो पाई मार्केट में है उसमें 1.5 MHz का क्वाड कोर प्रोसेसर लगा होता है और आप चूज कर सकते हैं 2GB, 4GB और 8GB रैम के वेरियंट। ये जो मेरे पास रेसबेरी पाई है ये 4GB वाला है। इन सभी प्रोडक्ट्स के लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मार्केट में इसकी प्राइस 3500 से 8000 तक है, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा वेरिएंट लेते हो। इस रेसबेरी पाई को ओरिजिनली अंडर डेवलपिंग नेशन या डेवलपिंग नेशन में कंप्यूटर साइंस और प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए बनाया गया था। लोगों को जब रेसबेरी पाई के पोटेंशियल के बारे में पता चला तो लोगों ने इस छोटे से चिप को इंडस्ट्रीज, AI बॉट्स, होम ऑटोमेशन, ड्रोन्स और इंडस्ट्रीज में यूज करना शुरू कर दिया। अगर मैं आपको बोलूं कि ये एक कंप्यूटर है तो आप नहीं मानोगे। आप कहोगे कि ये कंप्यूटर जैसा तो बिल्कुल भी नहीं दिखता। बट अगर हम इसे एक मॉनिटर से कंपेयर करें तो इसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। अगर आप इसमें देखो तो इसके अंदर ये जो एक चीज होती है ये इथरनेट लगाने के लिए दी जाती है। यहाँ पे जो चीजें दी हुई है ये सारे आपको USB और माउस निकालने के लिए दी गई है। यहाँ पे आपके पास एक ऑडियो जैक होता है जहाँ पे आप अपना हेडफोन लगा सकते हो। ये रेसबेरी पाई 4 है और इसमें 2 माइक्रो HDMI पोर्ट है जिसके कारण मैं 2 4K मॉनिटर्स कनेक्ट कर सकता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ये इसका टाइप सी चार्जिंग है जिससे कि आप इसे पावर सप्लाई दे। इसके साथ यहाँ पे ये GPIO पिंस लगे होते हैं जिससे आप या तो सेंसर्स कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कनेक्ट कर सकते हो या फिर इसके साथ आप होम ऑटोमेशन या फिर IoT में भी इसे यूज कर सकते हो। इसके बाद जो आप ये देख रहे हो ये हीट सिंक के पीछे जो लगा हुआ है ये इसका 1.5 MHz का इसका क्वाड कोर प्रोसेसर है। इसके नीचे जो ये वाला पार्ट है ये पार्ट बेसिकली रैम होता है और हमारे केस में ये 4GB है तो आप चाहो तो ये 2GB में मिलता है, 4GB मिलता है और ये 8GB मिलता है। ये तो हो गई हार्डवेयर की बात। अब हम फर्मवेयर की बात करते हैं। तो आप बोलोगे कि ये फर्मवेयर क्या होता है। तो अगर हम किसी भी डिवाइस की बात करें तो उसके पास एक हार्डवेयर होता है, उस हार्डवेयर के ऊपर एक फर्मवेयर डाला जाता है। फर्मवेयर को आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। जैसे कि अगर आप देखो तो आपके फोन में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा होता है, आपके लैपटॉप पे विंडोज या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा होता है, वैसे ही इसके लिए हम कोई भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं। रेसबेरी OS रेसबेरी पाई का एक ऑफिशियल ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप रेसबेरी पाई के डाउनलोड पेज पे जाओगे तो आपको 3 तरीके के इमेज मिलेंगे। अगर आप इनमें देखो तो सबसे पहले बारे में आपको कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर मिलता है जैसे कि स्क्रैच और पाइथन जिससे आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। दूसरे वाले में आपको एक GUI मिलता है जिससे आप लॉगिन कर सकते हो। और अगर आप तीसरा वाला चूज करते हो तो आपको कमांड लाइन के थ्रू रेसबेरी पाई में लॉगिन करना पड़ता है। हम इस प्रोजेक्ट के लिए पहला वाला ऑप्शन यूज करेंगे। रेसबेरी OS को छोड़ करके रेसबेरी पाई के और भी बहुत सारे फ्लेवर्स अवेलेबल हैं जैसे कि मोज़िला, उबंटू, तो आप चाहो तो आप इन्हें भी यूज कर सकते हो, बट मैं रेसबेरी OS प्रेफर करता हूँ। तो ये तो बात हो गई रेसबेरी पाई के बारे में। अब हम देखेंगे कि हमें इस बोर्ड के अलावा और क्या क्या एडिशनल हार्डवेयर लगेगा जिसके बाद हम इसे एक कंप्यूटर की तरह यूज कर पाएंगे। जो सबसे पहली चीज आपको लगने वाली है वो है एक मॉनिटर जिससे कि हम इसे कनेक्ट कर पाए और इसके द्वारा हम जो भी यहाँ पे रन करें वो हम वहाँ पे देख पाए। दूसरी चीज आपको लगने वाली है एक माउस जो हम इसको यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। थर्ड चीज आपको लगेगी एक कीबोर्ड जो भी आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो इनमें से किसी भी एक पोर्ट से। चौथी चीज आपको लगेगी एक HDMI केबल या फिर एक माइक्रो HDMI केबल डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा रेसबेरी पाई का वर्जन लेते हो। पांचवी चीज आपको लगेगी एक पावर सोर्स। तो अगर आप रेसबेरी पाई 4 लेते हो तो आपको टाइप सी पावर सोर्स लगेगा, अगर रेसबेरी पाई 3 लेते हो तो आपको एक नॉर्मल 5 वोल्ट का पावर सोर्स से काम हो जाएगा। छठी चीज आपको एक लगेगी एक मेमोरी कार्ड, क्योंकि अगर आप इसमें देखो तो इसमें आपके लैपटॉप की तरह कोई हार्ड ड्राइव नहीं होता, तो इसकी जगह हार्ड ड्राइव यहाँ पे एक मेमोरी कार्ड लगाया जाता है। तो इन
ये मेमोरी कार्ड मिनिमम 8GB का होता है और आपको मैं सजेस्ट करूंगा क्लास 10 का मेमोरी कार्ड लेने के लिए। मैं पर्सनली 32GB का मेमोरी कार्ड यूज करता हूँ। ये तो थ्योरी हो गई, अब हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि हम इसे कैसे कंप्यूटर की तरह यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको दो एडिशनल सॉफ्टवेयर लगेगा। तो सबसे पहला जो लगेगा उसको बोलते हैं एसडी कार्ड फॉर्मेटर और दूसरा जो लगेगा उसको बोलते हैं एचडी। तो एसडी कार्ड फॉर्मेटर बेसिकली हम यूज करेंगे अपने कार्ड को फॉर्मेट करने के लिए। अगर आपके मेमोरी कार्ड में पहले से ही कुछ है या आपने पहले इंस्टॉलेशन ट्राई किया हो जो ना काम करे, तो एसडी कार्ड फॉर्मेटर एक बहुत अच्छा टूल है अपने कार्ड को फॉर्मेट करने के लिए। दूसरा सॉफ्टवेयर जो एक एचर है वो हम बेसिकली यूज करेंगे अपने जो इमेज फाइल जो हम डाउनलोड करेंगे उसको मेमोरी कार्ड के ऊपर राइट करने के लिए या फिर फ्लैश करने के लिए। एक बार आपके पास ये दोनों सॉफ्टवेयर आ जाए तो हम सबसे पहले स्टेप वन चालू करेंगे। स्टेप वन है कि अपने मेमोरी कार्ड को आप अपने कार्ड रीडर में डालिए और उसको फॉर्मेट कर दीजिए। फॉर्मेट करने के लिए आप एसडी कार्ड फॉर्मेटर चालू कीजिए और एसडी कार्ड फॉर्मेटर आपका मेमोरी कार्ड ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा और जैसे ही आपका मेमोरी कार्ड डिटेक्ट हो जाता है आप नीचे फॉर्मेट दबाइए और वो आपके सारे डेटा को अरेंज कर देगा। एंड इट्स नाउ ए न्यू मेमोरी कार्ड दैट कैन बी यूज्ड फॉर फ्रेश इंस्टॉलेशन। स्टेप टू में हम Raspbian OS को डाउनलोड करेंगे। Raspbian OS डाउनलोड करने के लिए हम Raspberry Pi के ऑफिशियल साइट पे जाएंगे और उस साइट के डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे। अगर आप डाउनलोड सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको दो तरीके के ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है Raspbian OS डाउनलोड करने का, दूसरा है Noobs। और हम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए और इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए हम Raspbian OS डाउनलोड करेंगे। तो हम क्लिक करेंगे Raspbian OS के अंदर और अंदर जाकर के आपको और तीन तरीके के इमेज मिलेंगे। तो हम सबसे पहला वाला जो रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर वाला वर्जन डाउनलोड करेंगे और फिर वेट करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी फाइल है और आपको टाइम लगने वाला है, तो आप एक कॉफी भी क्या सकते हैं। One eternity later. Step 3, हम अब एचर अप जो आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था उसे हम खोलेंगे और उसके बाद सबसे पहला जो आप देखोगे तो आपको ऑप्शन आता है अपना इमेज फाइल सिलेक्ट करने का। तो हम इसमें वो वाला इमेज फाइल देंगे जो हमने अभी अभी डाउनलोड किया है। तो इस इमेज फाइल को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद अब अपना मेमोरी कार्ड अपने कंप्यूटर पे लगाइए। एचडी एसडी कार्ड फॉर्मेटर की तरह आपका मेमोरी कार्ड ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा और डिटेक्ट होते ही आप फ्लैश बटन को दबा दीजिए और फिर इंतजार कीजिए। Eventually. स्टेप फोर में हम जितने भी एक्स्ट्रा हार्डवेयर बोले थे उसे हम इससे ज्वाइन कर देंगे। स्टेप 5 में हम इसके अंदर मेमोरी कार्ड इंसर्ट करेंगे। मेमोरी कार्ड इंसर्ट करने की जगह यहाँ पे है और आपने जो भी मेमोरी कार्ड में अभी जो इमेज डाला है एचर के द्वारा वो आप इसमें यहाँ लगा देंगे। एक बार आपके सारे हार्डवेयर ज्वाइन हो गए तो आप अपने पावर सप्लाई को चालू कीजिए एंड ऊह इट वर्क्स। एक बार आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चालू हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप है अपने वाईफाई का यूजर नेम और पासवर्ड सेटअप करने का। आप इसे इस सेक्शन में जाकर के अपना यूजर नेम और पासवर्ड सेट कर सकते हैं। एक बार आपका वाईफाई सेटअप हो गया तो आप इसे एक लो बजट या फिर बोल सकते हो लो परफॉर्मिंग पर्सनल कंप्यूटर की तरह यूज कर सकते हो। आप इसके आपके पास क्रोम ब्राउजर भी है तो आप वीडियो सर्फिंग भी कर सकते हो। इसमें आपके पास स्टोर भी है तो अगर आप कुछ चाहो और आपके पास नहीं है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। सो डू चेक दिस आउट। और आप डिस्प्ले की जगह आप कोई पुरानी टीवी भी यूज कर सकते हो अगर आप नया डिस्प्ले नहीं खरीदना चाहते। और फाइनली इस वर्जन के साथ कुछ फ्री प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं जैसे कि स्क्रैच जो आपके अपने बच्चों को दे सकते हो प्रोग्रामिंग सीखने के लिए जो कि एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है। सो गाइस इफ यू लाइक आवर कंटेंट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और ये हमें मोटिवेट करता है ऐसे और कंटेंट बनाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एक Raspberry Pi और एक GPIO पिन और एक सेंसर को यूज करके रूम टेम्परेचर का पता लगा सकते हैं। So stay tuned guys and have a happy weekend. Bye-bye.